पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि भूपेश बघेल पूरे देश में भ्रष्टाचार और करप्शन के प्रतीक बन गए हैं। ईडी छापा मारकर 2000 करोड़ का शराब घोटाला पकड़ती है, 500 करोड़ का कोयला घोटाला पकड़ती है, छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में माफिया राज चल रहा है, रेत घोटाला, शराब घोटाला, जमीन घोटाला, जंगल घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला हो रहा है, डेवलपमेंट की कोई काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल जी को जनता ठिकाने लगाएगी और बीजेपी को वापस लाएगी। इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बना पाएगी क्योंकि भूपेश बघेल जिस तरह से भूपेश बघेल जी पूरे देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए, करप्शन के प्रतीक बन गए, ईडी छापा मारकर 2000 करोड़ का शराब घोटाला पकड़ती है, 500 करोड़ का कोयला घोटाला पकड़ती है, छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में माफिया राज कर रेत घोटाला, शराब घोटाला, जमीन घोटाला, जंगल घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला, तो डेवलपमेंट के कोई भी काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे हैं, सिर्फ सिपुगेबाजी होनी है और इसकी भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ की जनता ठिकाने लगाएगी और बीजेपी को वापस लाएगी। देखिए, जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है तब कोई फेस नहीं होता है, तब पार्टी चुनाव लड़ती है, कमल फूल फेस होगा, मोदी जी फेस होंगे और उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ेगी। 15 साल पर भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम किए वो जनता आज भी याद कर रही है और जनता को लग रहा है कि भूपेश नहीं ये ठगेश है और हमसे गलती हो गई, अब उस गलती को इस चुनाव में जनता सुधारेगी।